हेलो जी, कैसे आप सब लोग। सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। सो लव यू हो गया जी। तो लव यू इस वजह से हो गया, मैंने अभी रिसेंटली व्लॉग अपलोड किया था, कब्रिस्तान में पौधे लगाए। तो यार इतने ज़्यादा कमेंट नहीं थे, लेकिन जितने भी थे अल्लाह की कसम दिल को छुए यार। तो लव यू होगा, लव यू ऑल। तो अभी के जो सीन ये है, दोपहर का टाइम है, ज़रा भी मूड नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन फिर भी बनाना तो पड़ेगा आप लोगों के लिए कुछ भी यार। सो आज के जो सीन कुछ ऐसे हो रहे हैं भाई, मौसम इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। मेरा ख्याल है कि मौसम अच्छा है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। यार देखें ज़रा, चेक करें, बड़ा स्मैक्सी सा मौसम हुआ पड़ा है यार, इतना पैड़ा भी नहीं है, बड़ा प्यारा मौसम से पैड़ा। इस वजह से नहीं है कि हवा चल रही है, इस वजह से पैड़ा नहीं लग रहा। तो अभी के जो सीन कुछ ये हैं, अपनी जो बड़ी बाइक है CBF, वो उसकी करवानी थी ट्यूनिंग। तो भाई आया हुए थे, मैंने बोला मैं ले जाता हूँ, आप मेरे वाली बाइक यूज़ करो, तो मैं उसकी ट्यूनिंग करवा के तो आप लोगों को दे दूँगा। मैंने बोला ये भी ठीक होगा। तो भाई अभी जो है बाइक्स की बुरी हालत हुई पड़ी है, सबसे पहले उनको बाइक निकालते हैं। तो एक और न्यू चीज़ है, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। जैसा कि भाई दो बंडू हैं नज़र आ रहे हैं, बच्चा अमीर हो गया भाई, पैसा ही पैसा, यूट्यूब मनी बहुत पैसा हो गया अपने पास, सही हो तो बता देना किसी को। इसका जो एग्जास्ट है भाई ने रिसेंटली चेंज करवाया है, स्लेंसर 125 का। तो ये भी वॉइस मॉडल है और ये भी वॉइस मॉडल है ये वाला भी। और इसका मीटर जो है भाई ने 2-3 दफ़ा चेंज करवाया भी था, लेकिन उसका इशू बना सही नहीं आ रहा था, भाई ने पुराना मार्का डलवा दिया। तो मेन चीज़ जो आपको दिखानी है मैंने, इसका एग्जास्ट, आए हाय हाय यार, ये पुराने मॉडल्स में आता था 7, 8, 9, 10, इन मॉडलों में आया 11, 12 के बाद ब्लैक सेंसर करवा दिए, ब्लैक का मतलब ये वाला। तो भाई बाइक की हालत चेक कर सकते हैं आप, कितनी कोई गंदी हुई पड़ी है और मुझे ज़रा भी नहीं अच्छी लगती। तो अभी जैसे वॉश भी करना है वो वाली तो ठीक है, ये भाई ने कल ले जानी है क्योंकि भाई के पास ही होती है। सो अपनी जो CBF में वाला साउंड चेक करवाता हूँ आपको, इसकी स्टार्ट ही नहीं हो रहा खैर। तो इसकी साउंड और इसकी साउंड में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसकी जो साउंड है थोड़ी सी हैवी होती है, यानी कि थोड़ी सी भारी भारी सी होती है, और इसकी जो है भाई चसदार है, मज़ा इसका ये सादा का। लेकिन ये भी जो स्लेंसर एग्जास्ट है इसका, इसका भी ठीक है, इतना ज़्यादा मज़ा है नहीं लेकिन ठीक है, अच्छा है। इसको कंपेयर करें 7.5 के साथ, जो इसका अभी 2012 से इसके ब्लैक स्लेंसर लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, तो उसका ये है कि एक तो इसके ऊपर खराशें बहुत लगती हैं, मैं आपको खराश वाली जगह चेक करवाऊँ, मीन्स यहाँ पे अभी तो अभी खैर अल्हम्दुलिल्लाह बचाया हुआ, लगी तो एक भी नहीं है, लगने दूंगा, लेकिन यहाँ पे लग जाती हैं बहुत, और वो ख़राब, ऐसा कोई चक्कर नहीं होता, ये वाइट होता है, कोई चक्कर खराश वगैरह नहीं लगती होता है इसका। और इसमें एक ये होता है कि ये गंदा हो जाता है जो ब्लैक है, और इसको साफ़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और भाई जो वाइट वाला है टाकी फिर काम ख़त्म, सही है। तो भाई बोल रहे थे अगर लगवाना हो बताना, मैं लगवा दूंगा आपको तुम्हारे वाली बाइक पे। तो अभी इरादा तो नहीं है क्योंकि सादा ही अच्छा लगता है, ब्लैक में अच्छा लगता है। अगर हाँ, अगर लगवाना हुआ तो वो फिर पूरी मॉडिफाई हो बाइक फिर प्यारी लगेगी। तो फिलहाल जो है साउंड मैंने आपको चेक करवा दी है इसकी। तो अभी जो है खैर इसको वॉश करना है अपनी वाली को, तो मैं जरा कंपेयर करके बताता हूँ आपको मैंने इसकी क्या क्या मॉडिफिकेशन करवाई, जो इसमें है और जो इसमें नहीं है, जरा चेक करें। इसमें जो टेप है भाई ने सादा करवाई हुई है, शीशा टेप जो होती है, ठीक है। और मैंने जो है इसमें मैट में करवाई हुई है, और भाई मैट की लुक देख सकते हैं आप, सही है ना, ये मैट की लुक है और ये सादा की लुक है। दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है मुझे बताना, मेरा इरादा बना था कि उसके ऊपर मैं करवा दूँ सादा शीशा टेप, लेकिन यार वो ख़राब हो जाती है, ये सादे पैर लगती है। थोड़ी सी बंदे की ना बाइक मुख्तलिफ और बाइकों से ना तो पता चलता है भाई किसी बंदे की बाइक, एंड दिस इज़ फॉर यू। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अपनी जो घर की मेन बाइक है अपने नाम पैर को कैसे भूल सकते हैं, इसे भी वॉश करना है, ये भी गंदी बहुत हुई पड़ी है। सो अभी इसे भी वॉश करते हैं और इसको भी वॉश करते हैं भाई। और भाई गर्मी का एंड बड़ा लेवल हो पड़ा है, अभी मैंने वाइट शर्ट पहनी है, आपको पसीना नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन भाई मुझे पता है क्या हालत हुई पड़ी गर्मी से। तो फिलहाल जो है अभी पाइप शाइप निकाल देने को वॉश करते हैं, निकाल ही नहीं है ना, वो लोग हैं 3-3 खड़ी हैं, लेकिन ले जाओ खैर कोई बात नहीं, मिट्टी चेक कर सकते हैं इसकी, रग में बड़ी पड़ी है, थां बड़ी पड़ी मिट्टी है, पड़ी हुई है मेरी हल्कियाँ शल्कियाँ, इसको पता नहीं कौन सी लगती है अब, आई थिंक हाँ लग गए।
साहब, भैंस की दुम जिस बात का डर था वही हुआ यार, सारा साइलेंसर खराब हो गया यार बारिश की वजह से। दरअसल वाश करते हैं, ये वाली चीज़ वाश होती है और ये वाली रह जाती है, तो अच्छा हुआ मैंने खोल दिया। अभी जंग भी पड़ा होगा यार, ये बारिश में भाई ने बहुत जूस किया, इस वजह से फटे पड़े हैं सारे इसके। तो अभी जो है ये वाली चीज़ उतार दूँगा, ये वाली सिर्फ रहने दूँगा आगे वाली, ये वाली और ये वाली चीज़ जो दोबारा फिर बनाऊँगा, थोड़ी सी ब्रीक करवाऊँगा इसको, ऐसे गंदी लगती हैं दोबारा, मोटी मोटी ना पैड़ी सी लगती हैं, वही पतली पतली सी ना, पतली पतली कमर तो अच्छी लगती है वैसे। ये बड़ी मुश्किल से मैंने खाया ये वाला उतार दिया इतना इतना, अब ये वाला रहने दूंगा, फिर भी ठीक लगते थे, माड़ा नहीं लगता। तो इसको अभी साफ़ करेंगे अच्छी तरह पेट्रोल से, फिलहाल जो है पहले बाइक वॉश करते हैं, फिर साइलेंसर का भी सही से अच्छी तरह सफाई करनी पड़ेगी। देख सकते हैं यहाँ पे पैड़ा लग रहा है, तो बाद में फिर आपको लुक दिखाता हूँ दोनों बाइक्स की। फाइनली यार बाइक जो है दोनों वॉश कर दी है, ज़रा चेक कर सकते हैं, पसीना से सीना बड़ा बड़ा पड़ा हुआ बुरा बंदा। तो इसको 125 को भी कर दिया, 70 को भी कर दिया, अभी सिर्फ रहता है कपड़ा फेरने वाला रहता है इनको, पॉलिश मारने वाली रहती है। तो वो वाली जो थी वो मैंने नहीं की, वो भाई खुद ही कर लेंगे यहाँ के भैया, इतनी हिम्मत नहीं है कि 4,000-5,000 बंदा इकट्ठी करे, ना ही हमको डग वाले हैं, सिर्फ प्यार है बाइक से लवर हैं, तो इसलिए। तो अभी जो है ज़रा लुक चेक करें बाइक देखते हैं। अभी जो है फिर इनको ज़रा साफ साफ करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक थोड़ा सा सूख जाएंगी और इनको वॉश कर देता हूँ, तो फिर देखते हैं क्या बनता है। लिटरली सीन ऐसे है, अभी धूप भी निकली है, मेरे चेहरे पे पड़ रही भी होगी और मैं गर्मी में बैठा हूँ, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही है और भाई बारिश हो रही है, धूप में बारिश हो रही है और हो रही है बिल्कुल फुल ब्रेक ब्रेक भाई, पता नहीं क्या सीन है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। पता नहीं आपको नज़र, मेरा ख्याल है कि आपको नहीं नज़र आ रही होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रेक है और धूप निकली हुई है और बारिश हो रही है, अभी नीचे भी नहीं गिर रही थी इतनी ज़्यादा, आते सारी ख़त्म होती जा रही है। मैंने अपनी दूसरी बाइक अंदर कर दी, अभी इसको टाकी शाकी फेरते हैं अच्छी तरह, ये रहा मैं आपको शो करता हूँ, अभी गिर रही है, ये देखें नज़र आ रही है ना, ये सारी अभी स्टार्ट हुई है। फाइनल लुक जी बाइक की, ये मैंने बड़ी मुश्किल से उतार दी है, खैर इसको भी सही करवाएंगे, अभी गंदा लग रहा है, खैर इतना भी गंदा नहीं लग रहा, बाइक के लुक के साथ अच्छा लग रहा है। तो अब लग रही है भाई अपनी बाइक, और ये वाली भी माशाल्लाह से ज़बरदस्त खूंखार लुक आ रही है दोनों की, इसकी भी और इसकी भी, इसकी तो फिर क्या ही बात है, चेक करें। आए हाय हाय हाय, मतलब पूरा हो गया पैसे अंदर। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. अच्छा तो जी फाइनली बाइक साइक वॉश करके साफ सूफ करके अंदर खड़ी कर दी है, और अभी का वेदर चेक करें आप, बाकी जो वजन वेदर चेक करें आप, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अभी बस मैं लेटा हुआ था, बारिश भी शायद आ जाए पक्का नहीं पता, लेकिन देख सकते हैं आप अपना झंडा भी लगा हुआ है, बारिश भी आ चुकी है अच्छी वाली स्पीड में, बारिश आ गई है स्पीड में, नीड फॉर स्पीड वाला सीन हो गया यहाँ पे, देख लें भाई ऐसे बैठे बैठी ऐसी कोई सीन नहीं था बारिश का, और स्पीड चेक करें यार चस आ गया भाई चस, स्पीड चेक करें यार। तो फाइनली जी बाइक वगैरह वॉश कर दी थी और बाकी सारा सीन ओके हो गया था, बारिश जो थी काफ़ी आ गई थी, और अभी जो है बस व्लॉग एंड करने लगा हूँ, तो बैड न्यूज़ थी थोड़ा सा हाथ पे लगी है चोट, बस लग गई है जैसे भी लगी है, अब बस खैर है कोई नहीं हो जाएगा ठीक,
तो मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू व्लॉग में। बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। लव यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो इंशाल्लाह आगे जो है न्यू व्लॉग लेके आएंगे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे, और आप थोड़ा थोड़ा सा प्यार दिखाते रहें, थोड़ा सा पेन हो रहा है हाथ में, प्यार दिखाते रहें, बहुत सारा सपोर्ट करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी साथ लेके जाएंगे, आप लोगों का भी साथ देंगे इंशाल्लाह। ये नहीं है कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो आप लोगों को भूल जाएंगे, ये बात गलत है, आप हमारे साथ रहेंगे हमेशा। भी हाथ हिल रहा है तो फेन हो रही, बस लग गई है यार। खैर पट्टी शट्टी घर पर ही मैंने कर ली थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।